हेलो बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, जिसको जैसे इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, एक्स की वैल्यूज कर हम बुलाते हैं एमसीसा, वाई की वैल्यू कोऑर्डिनेट बुलाते हैं, और किसी भी पॉइंट को इस तरह से डिनोट किया जाता है। यानी आपके पास जो पहला पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस होती है, एक्स का कोऑर्डिनेट होता है। दूसरा होता है वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वाई कोऑर्डिनेट मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी किसी भी पॉइंट को लोकेट करना सीखेंगे, किसी भी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में हम किस तरह से लोकेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई एक ए पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है। ए पॉइंट मीन्स आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने नाम दे दिया और पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि हम उसकी शेप तो बना नहीं सकते इसमें। तो हमने ए पॉइंट लिया, उसे भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फाइव, वाई कोऑर्डिनेट माइनस थ्री। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है बेटा ओरिजिन से। ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो जीरो, यानी एक्स का डिस्टेंस भी जीरो, वाई का भी डिस्टेंस जीरो। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर हम लेके चलते हैं तो सारी चीज़ जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम माइनस फाइव देखेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अपना ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले माइनस फाइव मूव करना है। पहले डायरेक्शन हमें देखनी है। डायरेक्शन क्या देखनी है? कि यहाँ पे नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो हमें एक्स एक्सिस के नेगेटिव की साइड चलना है, नेगेटिव डायरेक्शन की साइड चलना है। और नेगेटिव फाइव है तो आप नेगेटिव की तरफ चलेंगे ओरिजिन से, तो नेगेटिव फाइव आपको यहाँ मिलेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप आ चुके हैं, आपको यहीं पर रखना है अपने पॉइंट। ठीक है, और फिर आपको वाई एक्सिस का देखना है डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस माइनस माइनस है तो यानी नेगेटिव नीचे की तरफ होता है डायरेक्शन, और वैल्यू कितनी है थ्री, तो यानी थ्री पे मूव करेंगे। और तो ये दोनों जब आप इनको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो आपको इधर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे मिलते हो नजर आएंगे, यानी आपके पास माइनस फाइव और माइनस थ्री, ए पॉइंट लोकेट हो गया आपके पास। ये जो पॉइंट है आपका जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माइनस फाइव है, ये देखो आपकी माइनस फाइव हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये माइनस थ्री। तो इस तरह के आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। हमें एक एग्जाम्पल और देंगे, सपोज बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए टू और थ्री। ठीक है, इसमें एक्स की जो वैल्यू है या सीसा है वो टू है, तो हम किसी इनिशियल पॉइंट से चलेंगे, ओरिजिन से चलेंगे टू प्लस का टू डायरेक्शन, यानी आप यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से आपको जाना है थ्री, और थ्री कैसे प्लस का, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो थ्री आप ये देख रहे हो कि इसको थ्री के सामने तक लेके जाएंगे, तो ये आपके पास पॉइंट बी लोकेट हो जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट बी लोकेट हो गया, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट टू है और वाई कोऑर्डिनेट है थ्री। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आपको 3.1 नहीं करनी है, जैसे इसमें आपको एक मैप ड्रो करना था, तो आप 3.2 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपके सिर्फ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपसे टर्म्स के बारे में पूछा गया है कि इसके आंसर देना है बेसिकली आपको। जैसे पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द दीज टू लाइन। तो जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आप ये लाइन बनाते हैं तो आपका जो प्लेन है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और फोर पार्ट्स को हम क्या नेम देते हैं। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट, जिसमें क्वाड का मीनिंग बताया था मैंने आपको फोर। ठीक है, रेंट्स मीन्स पार्ट्स, यानी फोर पार्ट्स, इन लाइनों से मिलके जो पार्ट्स बनते हैं फोर पार्ट्स, उनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका, विच राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब देखो, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, अपने जो दिया हुआ है फिगर दी हुई है आपको, और इसमें आपको द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, जैसे उसमें नेमिंग कर रखी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करके बताने कि बी का कोऑर्डिनेट कितना है, सी का कोऑर्डिनेट कितना है। तो आप इसमें इजीली लोकेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये बी पॉइंट जो लिया है मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे कि इसका एक्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में इस तरह से चलेंगे, तो यहाँ से हम जीरो से चलना स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास ये फाइव आएगा, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका कितना आ गया, फाइव।
यानी स्पाइन के नीचे आप देखोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब आपको इसका वर्टिकल डिस्टेंस पता लगाना है। वर्टिकल डिस्टेंस स्पाइन के सामने आप देखोगे बिल्कुल सामने वाई एक्सिस पे वर्टिकल डिस्टेंस देखने के लिए, तो आपको दिखेगा 4। तो आप इजीली किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप खुद बता सकते हो। तो बेटा ये जो सेकंड जो क्वेश्चन है इसको आपको खुद करना है, सारे पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो आप इजीली फाइंड कर दोगे। अगर इनके कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा।